ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਹਾਏ 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 ਮੋਦੀ ਮੋਇਆ 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 ਕਿਲੋ ਮੋਦੀ ਹਾਏ 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 ਰਾਜੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜੀ ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज हम यूएनओ के सामने ये दिखाएं आप, हम यूएनओ के सामने हैं। ये सामने बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क है, वहाँ से हम लाइव हो रहे हैं। और जो इस समय भारत में हालात बने हुए हैं, जो आरएसएस और मनुवादी ताकतों ने भारत पर कब्जा कर लिया है और वहां पर किसान और मजदूर विरोधी बिल लाए हैं, इसके पहले उन्होंने कश्मीर में धारा 370 खत्म की और एक साल हो गया वहां पर हमारे कश्मीरी भाई बहनों को इन्होंने घरों में कैद किया हुआ है। उसके बाद निरंतर इन्होंने नए से नए काले कानून लाए, इन्होंने बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई वहां पर भी, जो राम मंदिर का इन्होंने वहां पर दोबारा से स्थापना की शुरुआत की, और ये निरंतर आगे बढ़ते हुए इन्होंने अब जो किसान और मजदूरों की बिल लाए हैं वो हम सारे देशों में विदेशों में जो बाहर सिख बैठे हुए हैं और जो मूलवासी बहुजन जो वामसेव के साथ श्रीमान वामन मेश्रम साथ की अगुवाई के नीचे हम सारे बाहर के 52 कंट्रियों में एक्टिव हो चुके हैं और किसान और मजदूर की जो बिल है उसकी विरोधता कर रहे हैं। आज अंदर यूएनओ के अंदर मोदी की जो स्पीच चल रही है जो इंडिया से वो लाइव है, उधर वो यूएनओ में धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, और हम यूएनओ को बाहर मोदी का जो चेहरा है उसको नंगा कर रहे हैं। अभी ये एक ब्राह्मण और बनिया मिलकर इसने सारे भारत के लोगों को गुलाम बना दिया है। ये हिंदू का पत्ता खेल रहा है, हिंदू एससी एसटी ओबीसी को जो हिंदू बोलता है, ये पहले सिखों को भी हिंदू बोलते थे, ये भारत के बुद्धिस्ट को भी हिंदू बोलते हैं। ये हिंदू का पत्ता खेलकर भारत को ब्रह्म राज में तब्दील करना चाहते हैं, और भारत का एससी एसटी ओबीसी है जिसको ये हिंदू बोलते हैं, जो वो हमारे भाई हैं ये इनको हिंदू बोलते हैं, वो हमारे भाई हैं एससी एसटी ओबीसी। तो ये जो इनकी गेम है ये मुर्गी के अंडे खाते हैं और बाद में मुर्गी को मार देते हैं। अभी तक एससी एसटी ओबीसी और ये हिंदू का पत्ता खेल रहे हैं, वो मुर्गी अंडे दे रही है, जब वो मुर्गी अंडे देने बंद कर देगी तब ये एससी एसटी ओबीसी जिसको ये हिंदू बोलते हैं फिर ये मुर्गी को ही खा जाए। ऐसे ही इन्होंने बुद्धिज्म को खाया है, ऐसे ही इन्होंने जैनिज्म को खाया है, ऐसे ही इन्होंने सिखों को दबाने के लिए सिखों को 1984 पर इन्होंने 37 सिखों के गुरुद्वारों पर टैंकों लोगों से हमला किया। अब ये हमारी रीढ़ की हड्डी, पंजाब की रीढ़ की हड्डी किसान है, इन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी पर और सिखों की दाढ़ी पर इन्होंने हाथ डाल दिया, इन्होंने हमारे किसानों पर ये हमला बोल दिया है। पर हम ये भी जानते हैं भारत का जो 85% किसान है उसका वर्ण शूद्र है, ये जो भारत के चाहे आंध्र प्रदेश में रहने वाले तम्मा और चाहे कुर्मी है, चाहे मराठा है, चाहे कुंभी है, चाहे गुजरात के पटेल हैं, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा के जाट हैं, ये सारे हमारे किसान भाई जिनको ब्राह्मण अपने वर्ण में शूद्र बोलता है,
और ये शूद्रों से उनकी जमीनें छीनना चाहता है। ये भारत में मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं पर हम लोग हिंदू के चक्कर में उसकी बात को समझ नहीं रहे। ये जिस दिन इन्होंने मनुस्मृति को लागू कर दिया अब ये मुर्गी जिसके ये अभी अंडे खा रहे हैं अब ये मुर्गी को भी मारकर खा जाएंगे। अब ये हिंदू खत्म हो जाएगा और ब्राह्मणिज्म शुरू हो जाएगा। ये इन्होंने जो पंजाब से जो हरी क्रांति शुरू हो गई है कल जो हमने देखा पंजाब में नौजवान सड़कों पर उतर आया है। मैं पंजाब के नौजवानों से बेनती करता हूँ वो किसी भी ऐसी पार्टी पर विश्वास ना करें जिनको आप लोगों ने कई बार परख चुके हैं। वो गद्दार लोग हैं जो पंजाब की सत्ता पर जो पहले काबिज थे जो आज काबिज हैं। ये आपके हथेशे नहीं है। ये आपको बरगलाएंगे, ये आपको हिंसा पर भी बेचेंगे। आपने अपने आंदोलन को जो शांतिमय तरीके के साथ शुरू किया है जो देशों में उसको सपोर्ट मिल रही है भारत में वो क्रांति चली गई है और किसान मजदूर एकता जो है शुरू हो चुकी है। आप अपने आंदोलन को हिंसक ना करें।